हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम भाई खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अपने मोबाइल को प्रॉपर क्लीन किस तरह करते हैं और अपने डिवाइस का आईडी चेंज किस तरह करते हैं, क्योंकि वो मोबाइल आपका डिटेक्ट हो जाता है ना एक दफ़ा, मतलब बैन वगैरह पड़ गया, और जिसको नहीं भी पड़ा वो ये करता रहे। तो मैंने अपने लिमिट 3 दिन की रखी है, ऑटो सब क्लीन हो जाता है और 3 दिन के बाद आईडी वगैरह चेंज कर देता हूँ फ़ोन की, जैसे फ़ोन डिटेक्ट नहीं होता। अगर हुआ भी, जिसने रिपोर्टें मारी होती हैं, अगर मैं डिटेक्ट पर लगा होता उनके, ठीक है, सिक्योरिटी पैच हमारे पीछे लगे हुए थे, जब हम आईडी चेंज कर देते हैं तो उनका वो मतलब ख़त्म हो जाता है, फिर नई आईडी आ जाती है फ़ोन की। तो अभी इस तरह है कि जिस भाई को बैन पड़ा या नहीं भी पड़ा तो वो इस तरह करे। मैंने ना उसमें फ़ाइल दी हुई है, क्या उसे कहते हैं, फ़ाइल मैनेजर में फ़ाइल मिलेगी आपको, मतलब फ़ाइल मैनेजर करो आपको, मैं ग्रुप में दे दूँगा फ़ाइल। उसमें जाएँ सबसे पहले, जैसे मिसाल इस तरह होगा कि आपके सामने ये major.zip के नाम से फ़ाइल होगी, उसको एक्सट्रैक्ट कर लें। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये 3 फाइलें आएंगी आपके सामने। तो सिंपल, आपने चेंज डिवाइस आईडी को तो इंस्टॉल नहीं कर सकते, सबसे पहले HTML इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो डन पे क्लिक कर देना, उसके बाद base.apk इसको इंस्टॉल कर लेना, अभी डिलीट करने लगा था, और डन पे क्लिक कर देना। सिंपली बाहर आना और चेक करना कि वो फाइल आई कहाँ पर, ये आपके सामने आ गई। सबसे पहले HTML को ओपन कर लेना, नीचे नॉर्मल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, स्कैन का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना, और ग्रांट की परमिशन मांगेगा, रूट डिवाइस के लिए ये काम करेगा, नॉन रूट के लिए नहीं है। उसके बाद जो भी नेक्स्ट अलाउ, जो भी आपसे परमिशन मांगे सब देते जाना, ठीक है, अलाउ कर दिया, फिर बैक आ जाना, अलाउ यहाँ से करके उसके बाद डन करके नीचे स्कैनिंग शुरू हो जाएगी। सिंपल स्कैन होने देना, तो थोड़ी देर में फ़ोन आपका सारा क्लियर क्लीन हो जाएगा। ये ऑटो नीचे ना वो ऑप्शन आ रहा है इस जगह पर, ऑटो खुद रूट परमिशन दे रहा है उसको, बस उसके बाद सिंपल ये क्लीन हो गया। ऊपर 3 लाइनें, इन पर क्लिक करना है, थोड़ा सा ऊपर करना है, ये जो ये है इस पर क्लिक कर देना, ये आपके सामने आ गया। अब ये चीज़ है कि ऑटो क्लीन के लिए क्या क्या आपने क्लीन करना है, मतलब सब ऑन कर देना, सिर्फ रीबूट को छोड़ देना लास्ट वाला, ठीक है। वो इसलिए ये वाला नहीं करना कि ऑटो रीबूट हो जाएगा जिस टाइम इसका टाइम पूरा होगा, उस वक्त आप कोई काम ना कर रहे हो ज़रूरी या कुछ भी, मतलब ऑटो फ़ोन रीबूट हो जाएगा। इधर आपने टाइम लगा देना, मैं 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, आप 1 दिन का भी दे सकते हो, ज़्यादा गेम प्ले करते हो तो मैं तीन दिन का दे रहा हूँ, अपने हिसाब से जितना आपने दिन देने हो दे देना, ठीक है। मैं दूंगा मिसाल के 4 बजे का, 4 बजे तो वैसे ही फ़ोन हमारा ऑफ ही होता है, और 10 मिनट पर, 4:10 पर 3 दिन के बाद खुद ब खुद फ़ोन क्लीन हो जाएगा ऑटो, ठीक है। ये मैंने और स्टार्ट के कर दिया, लोडिंग पर लग गया, अब कुछ भी नहीं, सिंपल ये हो गया हमारा काम क्लीन का। अब कर देना डिवाइस आईडी चेंज किस तरह करनी है। सबसे पहले मैं आपको अपनी डिवाइस आईडी दिखा दूँ क्या है, ये देखो 097, ठीक है, 097 लिखा हुआ है, तो लास्ट में बाकी आप पढ़ लें। तो अभी आते हैं, ये मेरा डिवाइस आईडी है, तो अभी इसको हम चेंज किस तरह करेंगे। सबसे पहले जो MT मैनेजर था ना, इसको ओपन करेंगे, ठीक है। इसमें वो जो आईडी चेंज है, यही भी ग्रांट परमिशन मांगेगा, ठीक है, रूट परमिशन इसको दे देना। तो सिंपली हमने मेजर के नाम से फाइल थी, यहाँ से ये एग्री कर देना, नीचे आएगा ऑप्शन, ये देखो रीड एंड एग्री, एग्री कर देना। उसके बाद नीचे सिंपली मेजर के नाम से फाइल होगी, ये देखो यहाँ आने के बाद ना, अब ये देखें इस जगह पर ना चेंज डिवाइस आईडी है, ठीक है। तो मैंने आपको दिखा दी थी डिवाइस पहले क्या थी, अब मैं इसको जैसे करूँगा ना रूट और एक्सिक्यूट करूँगा ना, ये रीबूट हो जाएगा। तो मैं इधर वीडियो पॉज कर देता हूँ, मैं सिंपली ये करूँगा, ठीक है, उसके बाद मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ आकर। अभी मैंने फ़ोन रीबूट कर लिया, रीबूट करने के बाद आप चेक करें मेरी डिवाइस आईडी, ये चेक करें, ये देखो 097 था, अभी देखो D5A हो गया, ठीक है। तो इस तरह आपका डिवाइस का आईडी भी चेंज हो जाएगा और क्लीन भी हो जाएगा फ़ोन, ठीक होगा। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। और कोई भी बात पूछनी हो तो आप इनबॉक्स में आकर मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ तो आपको कोई भी बात हो, कोई भी मसला हो तो मैं सोल्यूशन बताऊँगा।